डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेसिस्टेंस, और ये रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट में किस प्रकार से यूज होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होता है, ये जो है रेसिस्टेंस क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होता है। किसका प्रॉपर्टी होता है, जो भी सब्सटेंस या कंडक्टर होते हैं उनके प्रॉपर्टी होती है, जो क्या करने का काम करता है, रसिस्ट करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, रसिस्ट करने का काम करता है। किसको रसिस्ट करने का काम करता है, फ्लो ऑफ चार्ज को। फ्लो ऑफ चार्ज का मीन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं, रसिस्ट करने का काम करता है। फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स करेंट, या करेंट को क्या करता है, ये रसिस्ट करने का काम करता है, उसको अपोज करने का काम करता है। कौन सा, ये रसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जो होता है ये क्या है, एक कंपोनेंट है जो हिंड्रेंस या अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का होता है। क्या होता है, हिंड्रेंस मतलब बाधा पहुंचाने का काम भी करता है, और अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज जो जा रहे हैं उनको अपोजिशन करने का काम करता है। कौन सा, रेसिस्टेंस। जैसे अगर हम इसका एक एग्जाम्पल और कंपेयर अच्छी तरीके से करें तो, और कंपेयर में एक रोड जो है उनसे हम करते हैं, तो जैसे रोड पे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट रोड पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रेकर का भी हम यूज करते हैं। तो रोड पे क्या होता है, ब्रेकर का यूज किया जाता है। ब्रेकर का यूज क्यों करते हैं, जो भी गाड़ी है उनके स्पीड को मेंटेन करने के लिए, उसको स्पीड को रिड्यूस करने के लिए, कम करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्रेकर का यूज करते हैं। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में हम किसका यूज करते हैं, रेसिस्टेंस का यूज करते हैं। रेसिस्टेंस का यूज करते हैं किस लिए, जो करंट जो पास कर रहे हैं उसको रिड्यूस करवाने के लिए, उसको कम करवाने के लिए। हम क्यों करते हैं कम करवाने के लिए इसका यूज, क्योंकि अगर हम कम रेसिस्ट करंट नहीं पहुंचे और डिवाइस अगर हम लगाए हुए हैं तो क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो सकता है। इसलिए उस डैमेज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस का हम यूज करते हैं, जिससे कि जो भी क्या हो, जो भी डिवाइस हो वो हमारा सेफ बच सके। जैसे रोड को पे एक्सीडेंट होने से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पीड ब्रेकर का यूज करते हैं। ठीक उसी तरह हम इलेक्ट्रिक सर्किट में भी जो भी डिवाइस होते हैं उसको डैमेज होने से बचाने के लिए हम रेसिस्टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे आपको एक फिगर में दिखाया जा रहा होगा, एक रेसिस्टेंस का सिंबल है। ये क्या है, रेसिस्टेंस का सिंबल है, जो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये रेसिस्टेंस का जो सिंबल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेसिस्टेंस के डिफरेंट डिफरेंट सिंबल होते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, डिफरेंट डिफरेंट रेसिस्टेंस के डिफरेंट डिफरेंट सिंबल होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट रेसिस्टेंस में, जैसे कार्बन फिल्म रेसिस्टेंस हो जाते हैं, कार्बन थिंक फिल्म रेसिस्टेंस हो जाते हैं, कार्बन थिन फिल्म रेसिस्टेंस हो जाते हैं, वेरिएस्टर हो जाते हैं, एलडीआर हो जाते हैं, वेरिएस्टर हो जाते हैं, थर्मिस्टर हो जाते हैं रेसिस्टेंस। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेसिस्टेंस होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट रेसिस्टेंस के डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, सिंबल भी होते हैं। अच्छे, ये रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओम होता है, जो कि एक ग्रीक सिंबल है। ओम जो आपको नीचे दिखाया जा रहा है, ये ग्रीक सिंबल ओम है, जो क्या है, एसआई यूनिट है। किनका, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, वाकई में इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस कैसे डेवलप हुआ है, रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन से कैसे हम इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मोशन जो है उनसे रिलेट कैसे हम कर सकते हैं, और हम अपने लाइफ में फिर रेसिस्टेंस को कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए बस आपको इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस। उसके बाद हम उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे लॉ ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस का नियम क्या है, इनके बारे में, और फिर उसके बाद हम जानेंगे ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ जो भी मैं बताऊँगा उसको मैं आपकी लाइफ से रिलेट करके बताऊंगा, जिससे कि आपको याद करने में सुविधा हो रहे और आपको याद जल्दी हो जाए और समझने में भी बहुत ही अच्छा लगे। तो उसके बाद हम जैसे ही सीरीज और पैरेलल सर्किट फिर बच जाएगा रेसिस्टेंस का, उनको भी हम रिलेट करके ही बताएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो
बस आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।